क्या हाल है, है आप सबका ठीक ठाक है आप लोग ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द वर्कशॉप ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट तो बस थोड़ा सा डिले हो गया सो क्या हाल है आप सबका कैसे हैं आप लोग ओके लेट्स स्टार्ट द वर्कशॉप जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो वर्कशॉप है ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की अवेयरनेस के लिए कि वो क्या चीज है क्या स्कोप है मार्केट में उसका ईच एंड एवरी उसके बारे में ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूं क्योंकि इसके अंदर बेसिकली uh, आज की वर्कशॉप के अंदर थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि क्या चीजें हैं आप में से मुझे कुछ लोग बताना चाहेंगे जो कि ऑलरेडी वेब की डोमेन से फेमिलियर हैं जो कि वेब के बारे में पहले का जानते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा हो वेब एस टी एम एल सी एस एस या एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज जो भी है वो पढ़ी हो तो वो लोग ज़रा काइंडली मुझे टेक्स करके बताइएगा जरा ठीक है यानी कुछ लोग हैं हमें मौजूद के जिन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है ओके तो डेट्स uh, ग्रेट तो चलें स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली ये जो आपका जो बेसिकली जो वर्कशॉप है वो बेसिकली फुल वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप है इसके अंदर मैं आपको बेसिकली सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि क्या स्कोप है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर का अलग बैक एंड डेवलपर का अलग और इस तरह से मार्केट के अंदर सारा का सारा क्या स्कोप है अच्छा आप में से काफी लोग जो है वो आई से आ, आ, क्या कहते हैं रिलेट करते हैं और कुछ लोग हैं वो आई से रिलेट नहीं करते ठीक है तो ये वर्कशॉप एक ग्राउंड लेवल से शुरू की जा रही है जो परफेक्ट है आप में से काफी लोग जो है वेब डिजाइनिंग के बारे में जानते हैं कुछ लोग एच के बारे में जानते हैं इवन के कुछ लोग वर्ल्ड के बारे में भी जानते हैं तो परफेक्ट है ठीक है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट स्टार्ट द वर्कशॉप ओके तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थोड़ा सा पी ट्रेनिंग्स के बारे में बता दूँ कि वाई इफ समन चूज पी ट्रेनिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैं सबसे uh, ज्यादा जो फोकस करूंगा वो एक की पॉइंट पे करूंगा जो कि इसका फर्स्ट की पॉइंट है कि 75 प्लस फील्ड एक्सपर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स एंड ट्रेनर्स हैं अच्छा यहाँ पे खैर मैं भी काफी सालों से पी uh, एन का पार्ट हूँ तो यहाँ पे जो मोस्टली तकरीबन ऑलमोस्ट जो टीचर्स है वो मार्केट से प्रॉपर इन टच में है, अब, अब, अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि जी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो हमारे टीचर हैं वो वो तो एक एक ही, एक ही करिकुलम को पढ़ा पढ़ा के वो एक रटा सिस्टम बन जाता होता है आप टी एन वाई को अगर विजिट करें इनकी वेबसाइट को विजिट करें इनकी कोर्स आउटलाइंस को विजिट करें तो यहाँ पे जो काफी की सारी की सारी जो आपकी कोर्स आउटलाइंस है वो अप टू डेट है ठीक है अच्छा एक चीज नोट काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि जूम को आप लोग जस्ट मैसेज परपज के लिए यूज़ कीजिएगा बाकी इसकी चीजों को आप ना छेड़िएगा ठीक है ओके okay, uh, दूसरी इसके अंदर ये चीज़ है कि ये एक फोर्टी प्लस कोर्सेज जो हैं वो आईटी के हैं और नॉन आईटी के सारे कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि ये ऑनलाइन पोर्टल पे ये तो लोग जो इस टाइम पे दुनिया तो आई है कोरोना की वजह से ऑनलाइन सारा पी के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट डे जो सर्विस प्रोवाइड well की जा रही है फिजिकली एज वेल एज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं क्योंकि पी एन वाई के अंदर जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान से भी होते हैं तो इस वजह से खैर हम लोग लॉकडाउन में नहीं आए हम अल, हम लोग ऑलरेडी ऑनलाइन पहले के थे ओके okay. थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं माय नेम इज फैजान सुहेल एंड एक्चुअली आई एम वर्किंग एज अ फुल डेवलपर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंड एज एज वेल आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग्स सो कुछ टॉपिक्स uh, आपके जो, हैं आज जो है आज का जो एजेंडा है वो बेसिकली एजेंडा क्या है कि आप लोगों को थोड़ा सा आ, फेमिलियर करना कि इन तीन टर्म्स के अंदर क्या डिफरेंसेस सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड बैक एंड एज वेल एज़ फुल स्ट्रैक वेब डिवेलपर फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज क्या है जो कि इस टाइम पे अपडेटेड टेक्नोलॉजीज है वेब के अंदर उसके बाद आपकी कुछ कौन सी स्पेसिफिक वेब लैंग्वेज के ऊपर कमांड होनी चाहिए और कुछ आपके आप बिजनेस को डिवेलप करने के लिए वेबसाइट्स के ऊपर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ होने चाहिए सो ओके स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा मैंने आ, कुछ दिन पहले भी वर्कशॉप हुई है वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट की थी उसके अंदर मैंने फुल स्टैक के बारे में कोई डिटेल बात नहीं की थी लेकिन ये जो वर्कशॉप है ये स्पेसिफिकली वेब फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिहाज से है सारी की सारी तो मैं लेकिन फिर भी बात एक करना चाहूंगा थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा कि वेब डिजाइनिंग क्या ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू आप में से कौन कंप्लीटली जो कहता है कि मेरी सही कमांड है वेब डिजाइनिंग के ऊपर वो काइंडली मुझे मैसेज करे जरा <coughs> ताकि थोड़ा पता चले कि इस टाइम पे कितने लोग जरा कोई क्या पता काफी लोग माशाल्लाह प्रोफेशनल भी हूँ तो कौन अपने आप को समझता है कि जी मैंने बिल्कुल मेरी बहुत अच्छी कमांड है वेब डिजाइनिंग के अंदर लाइक कुछ आपको जो लैंग्वेजेस पता हो एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट जे क्यू बूट स्ट्रैप अगर आप में से कोई है जिसको आती है तो वो सो अनदर थिंग इज रेड अच्छा सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को uh, थोड़ा सा बता दूं वेब डिजाइनिंग के अंदर मैं uh, थोड़ा सा शॉर्टली मैं फुल स्ट्रैक के ऊपर जाना चाहूंगा तो इसको बस जरा गो थ्रू करना है जरा सुनिएगा इसको वेब डिजाइनिंग के अंदर हमारे सिर्फ दो पार्ट आते हैं एक हमारा पार्ट आता है यूआई का जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं यूजर इंटरफेस और एक पार्ट आता है हमारा यूएक्स का जिसको हम क्या कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस आपके यही दो चीजें आपकी वेब डिजाइनिंग की डोमेन के अंदर मैटर करती है, तीसरी कोई चीज नहीं है ठीक है ओके okay. सो uh, so, ये जो यू आई है अच्छा आप लोगों को मैंने कहा कि ये एनोटेशन को यूज ना कीजिए आप लोग ठीक है जो एनोटेशन हैं, इनको आप लोग काइंडली बस जूम को सिर्फ मैसेज के लिए यूज कीजिएगा काइंडली ठीक है ओके परफेक्ट है ठीक है काफ़ी लोगों को आती है ये सानिया सानियाार को माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है फ्रंट एंड का गुड डेट्स ग्रेट ठीक है अच्छा दूसरी चीज इसके अंदर ये मैंने आपको बतानी थी कि कोई आप में से बता सकता है कि यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या है वाट इज एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस चले यूजर इंटरफेस से तो साफ समझ में आता है ना कि जो वेबसाइट को जब हम विजिट करते हैं तो सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन करते हैं वो जो सब हमारा लेआउट दिख रहा होता है वो यूजर इंटरफेस है सो व्हाट अबाउट यूजर एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली क्या चीज है कि आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए जिस मर्जी मैं एक दुनिया की स्क्रीन पे खोल लू वीन वॉज द स्क्रीन इज टेबलेट और मोबाइल स्क्रीन हो आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो आपकी एलईडी की स्क्रीन हो डेट कैन बी इजीली यूजेबल ठीक है प्रेम फ्रेम आप अपना काइंडली इंटरनेट कनेक्शन को चेक कीजिएगा ओके सो बेसिकली मैं फुल स्टैक के बारे में थोड़ा सा बता दूं देखिए कुछ अरसा पहले ना कुछ अरसा पहले जॉब्स जो मार्केट में निकलती थी वो फ्रंट एंड की अलग निकलती थी फ्रंट एंड डेवलपर की अलग बैक एंड डेवलपर की अलग निकलती थी जॉब और उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस डेवलपर की अलग जॉब निकलती थी फिर फेसबुक ने ये कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर पुट किया बेसिकली ये जो का, जो फुल स्टैक का है ये फेसबुक के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकला है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक रैपिडली फैला है तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए एक ह्यूमन ब्रेन की इतनी कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है कि वो मोर देन वन डोमेन एक से ज्यादा डोमेन के अंदर वो काम कर सकता है तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है जी यहाँ पे हम एक मार्केट के अंदर एक ट्रेंड निकालते हैं जो कि बेसिकली हमारा ट्रेंड है फुल स्टैक वेब डिवेलपर का अब वट इज मेंट बाई स्टैक आप एक मैं बड़ा जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्या होता है नॉट इन डोमेन ऑफ वेब आई एम आस्किंग जनरली अच्छा बॉक्स uh, कोई और बताना चाहेगा के साथ क्यू अच्छा क्यू कुछ और होता है स्टैक कुछ और होता है मेरी बात सुनिएगा क्यू कहते हैं जैसे हम किसी लाइक like, कोई बैंक चले जाए आजकल जो बैंक के हालात है लाइन लगी हुई है ठीक है वो क्यू होती है स्टैक होता है एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को पुट करते जाना ठीक है मैं इसकी एग्जैक्टली exactly, आप लोग कर्टन के एग्जैक्टली ये फबीहा ने एक अच्छी एग्जाम्पल दी है प्रेम ने एक अच्छी एग्जाम्पल दी है ठीक है हम लाइक like, प्लेट्स रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर रखते हैं हम प्लेट वो स्टैक बनता जाता है अब अगर मैं बात करूं वेब के अंदर फुल स्टैक के अंदर, कि स्टैक का मतलब क्या ठीक है इंसर्ट करी जा रहे हैं वट एवर इट इज फ्रंट एंड और बैक एंड और एनी अदर टेक्नोलॉजी रादर देन फ्रंट एंड सो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकला नहीं ये स्टैक है एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर चीजों को स्टैक में लगाया जा रहा है so, uh, बाय लाइक अगर मैं छोटी सी बात करूं तो एक पर्सन कह सकते है, PHP stack, PHP stack फिर इसके अंदर एक डोमेन आती है जी, तो मीन स्टैक डिवेलपर के बाद एक हमारे पास एक डोमेन आती है इसके बाद मर्ड स्टैक डिवेलपर लाइक like, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कोई स्टैक जो है वो एक स्पेसिफिकली चीज नहीं है स्टैक एक है? एक एक बेसिकली क्या चीज है खास डोमेन को पकड़ के वेब की उसके अंदर माहिर बन जाओ आप अच्छा इसके अंदर हम सारा पीएचपी कवर करते होते हैं इसके अंदर ये क्या चीज होती है ये क्या चीज होती है मैं आपको सारा का सारा बताता हूँ लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा देख लें अब ये अगर आप लोगों ने ये टेक्नोलॉजीज को ग्रैप करना है ये टेक्नोलॉजीज को फुलफिल करना है आप लोगों ने तो आपको इन सब फील्ड से फेमिलियर होना चाहिए एक आपका फ्रंट एंड इज आपका बैक एंड और सेकेंडली आपका जो थर्ड वन होगा वो बेसिकली होगा आपका डेटाबेस बेस एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा आप डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर इसकी कहते हैं जी जॉब्स जो है वो बहुत कम है लेकिन आपको पता है कि इसके बगैर काम भी नहीं हो सकता सो मूव टू द नेक्स्ट मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि ये फ्रंट एंड का एक छोटा सा एक खैर स्लाइड्स पे मैं बिलीव नहीं करता ज्यादा ये जो सामने स्लाइड्स ओपन नहीं है जस्ट इट्स जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी आप लोग जस्ट वही सुनिएगा जो मैं बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ ठीक है खैर वेब डिजाइनिंग के अंदर ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में मैंने बात ऑलरेडी काफी बार आपने सुनी होगी कि लेआउट अच्छा होना चाहिए कलर स्कीम अच्छी होनी चाहिए आपका ग्राफिक्स का काम अच्छा होना चाहिए सारा का सारा और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अब डेवलपमेंट के काम के अंदर आपका सारा बैकेंड की क्या कहते हैं फंक्शनलिटी आ जाती है लाइक like, साइनअप कैसे होगा साइन इन कैसे होगा लॉग इन कैसे होगा कमेंट कैसे होगा मेल कैसे भेजनी है मेल कैसे लेके आनी है वट एवर फंक्शनलिटीज ऑफ अ बैक ठीक है फंक्शनलिटीज ऑफ अ वेबसाइट लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूंगा ये फ्रंट एंड के अंदर मेरी बात आप गौर से सुनिएगा अगर मैं टेक्नोलॉजीज की बात करूं आपके सामने तो जब से मार्केट के अंदर वेब आई है जब से दुनिया में वेब का ट्रेंड चला है तो भाई फ्रंट एंड के अंदर लोग कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सीखते हैं एच को सीखते हैं उसके बाद बेसिकली जो यहाँ पे लैंग्वेज सीखी जाती है सी सीखी जाती है स्टाइलिंग के लिए एच होता है बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सी होता है स्टाइलिंग के लिए फिर अनदर वन इज जावा स्क्रिप्ट आपका जितना ब्राउजर से इंटरेक्शन है लाइक like, आप कह लें कि ये बेसिकली क्या है ये आपके पास क्लाइंट साइड है लाइक like मेरी एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूं ये यूज की होती है ये बेसिकली यूज होती है वैलिडेशन और कैलकुलेशंस के लिए आपका जितना वेबसाइट पे वैलिडेशन का काम है वो सारा जे करता है उसके बाद आप लोगों में से शायद किसी ने सुना हो जे का नाम जे क्यूरी बेसिकली क्या है एक, like एक लाइब्रेरी है जितना एनिमेशन का काम होता है हमारा वेबसाइट पे मिच्योर लेवल की एनिमेशन का वो सारा जे क्यूरी करती है बेसिकली बगैर ब्राउजर को रिफ्रेश की है हमारा सारा काम जे क्यूरी में होता है एक कॉन्सेप्ट के जरिए जिस कॉन्सेप्ट का नाम है एजेक्स खैर उसके बाद मार्केट के अंदर एक और चीज आई बूट स्ट्रैप ठीक है ये ट्विटर के कुछ एम्प्लॉयस से हाँ जी फ्रेमवर्क्स पे मैं आऊँगा इजाज मैं आज साइज स्लाइटली वहीं पे जा रहा हूं बूटस्ट्रैप बेसिकली क्यों यूज होता है ये यूज होता है यूज फॉर मेकिंग द वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव ओके खैर ये कुछ ट्रेंड चलता रहा चलता रहा काफी साल ये ट्रेंड चला कि लोगों ने इसके अंदर ना काफी काम करना शुरू कर दिया लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे एक वक्त गुजरता जा रहा है एक वेबसाइट पे यूजर्स ज्यादा होते जा रहे हैं हर साल मैं आपको एक मिसाल देता तो, हूँ यूट्यूब पे पिछले साल इतने यूजर्स नहीं होंगे कि, जो जितने यूजर्स इस साल होंगे आप लोग अंदाजन मुझे बता सकते हैं इस टाइम पे करंटली यूट्यूब पे कितने नंबर ऑफ यूजर बैठे होंगे कितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे इस टाइम पे यूट्यूब पे जो करंटली इस टाइम पे यूट्यूब को यूज कर रहे होंगे लाइक मिलियंस में हो सकते हैं

यूट्यूब या फेसबुक पे एक टाइम पे इतने लोग रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं स्लो होती क्योंकि वो इन टेक्नोलॉजी से हटके मजीद एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बिल्डअप हुए हैं फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा तो लोगों ने अब एक रियलाइज किया कि मार्केट के अंदर बेसिकली एक और चीज होनी चाहिए जो कि फ्रेमवर्क्स है अब जो ट्रेंड चल रहा है सारा का सारा वो फ्रेमवर्क्स का ट्रेंड चल रहा है सारा का सारा और इसमें जो सबसे पावरफुल जो रोल प्ले कर रहा है अगर मैं फ्रंट एंड की बात करूं तो वो जावास्क्रिप्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज ऑफ फ्रंट एंड अब जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स आप में से काफी लोगों को पता होंगे शायद एंगुलर उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है हमारे पास रिएक्ट जीएस फिर हमारे पास आता है एक आता है काफी लाइक एक आता है हमारे पास बैकबोन बैकबोन जीएस ठीक है तो ये इस तरह से काफी के काफी ज्यादा आते हैं वनीला जीएस ठीक है आप कुछ लाइब्रेरीज की बात करें तो हैमर डॉट जीएस ठीक है इस तरह बहुत जावास्क्रिप्ट पहले कहा जाता था कि जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड डील करती है लेकिन अब जावास्क्रिप्ट बेसिकली बैकएंड को भी डील करती है इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है नोड जेएस आप में से कितने लोगों ने इनके नाम सुने हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं इस टाइम पे अगर आप में से किसी ने सुने हैं तो मुझे काइंडली जरा मैसेज करें ठीक है

ठीक है ये सबसे वन ऑफ द क्या कहते हैं मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज थी पीएचपी लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया पीएचपी डील नहीं किया पीएचपी एच एस पी आज के दौर में तो तो आप लोगों ने सुना होगा डॉट नेट कोई वेबसाइट ही नहीं बन रही बहुत कम हो गया ए एसपी डॉट नेट का तो ट्रेंड ही खत्म हो गया है और कोर पीएचपी का भी ट्रेंड खत्म हो गया है ऑलमोस्ट फिर उन्होंने कहा कि नहीं मार्केट के अंदर कुछ बेसिकली uh, आपके फ्रेमवर्क होने चाहिए ठीक है अच्छा करंटली मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि करंटली ये एनोटेशंस को यूज ना कीजिए ठीक है तो इसमें से क्या कह कहते हैं डिस्टरबेंस होगी, थैंक यू अच्छा तो यहां पे अगर मैं फ्रेमवर्क्स की बात करूं तो यहां पे अगर मैं फ्रेमवर्क्स की बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा यहां पे लारावेल का फिर आपने नाम सुना होगा कोडिग का फिर आपने नाम सुना होगा यहाँ पे जेंट का फिर शायद किसी ने नाम सुना हो यहाँ पे पी एच पी का खैर ये थोड़े अंडर रेटेड फ्रेमवर्क आगे उसके बाद आपने डॉट नेट का एम सी फ्रेमवर्क भी सुना होगा मेजेंटो एक फ्रेमवर्क नहीं है आपका वर्ल्ड मेजेंटो आपका जुमला ये सब सी एम एस ए फ्रेमवर्क नहीं है ठीक है उसके बाद एक आपने सुना होगा डॉट नेट फ्रेमवर्क तो खैर काफी फ्रेमवर्क्स हैं मैं अगर बात करूं तो अब भाई ट्रेंड जो चल चुका है वो इन चीजों का ट्रेंड चल चुका है इनमें कुछ लाइब्रेरीज भी हैं और इनमें कुछ फ्रेमवर्क्स भी हैं ठीक है अब हम बात करेंगे तो मैं अगर दोबारा से बात करूं थोड़ी सी मैं वापस आता हूं सबसे पहले मैं वापस आता हूँ एंगुलर जी पे कम टू द स्ट्रीट एंगुलर जी पे बात करेंगे तो ये गूगल की एक प्रोडक्ट uh, है जो कि मार्च 2017 में इन्होंने रिलीज़ की थी और अभी तीन साल आप कह लेंगे तकरीबन uh, तीन uh, साल हो गए हैं सो इसको और एंगुलर जो है वो नाइन तक आ गया है इसकी अपग्रेडेशन इतनी फास्टली हुई इसके अंदर इतना काम हुआ ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि रेपिडली इसकी अपडेशन निकालनी पड़ी आपका ये गूगल की प्रोडक्ट है आपका जीमेल आपका यूट्यूब आपका गूगल का पूरा आपका पूरे जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे एंगुलर पे बिल्डअप हुए हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं खैर अगर मैं टॉप टेन निकाल लू या वट कहीं से भी मैं आपको एक सोर्स सिखाऊं तो कुछ वेबसाइट जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैं वो सारी एंगुलर में बिल्डअप हुई हैं। मैं खैर उसके भी के बारे में क्या है जी ठीक है अब आपकी पेपल एंगुलर में बनी है ये मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ पेपाल खैर पाकिस्तान में तो नहीं है खैर जेट ब्लू इसमें है, लेगो एक uh, गेमिंग वेबसाइट है वो इसमें बनी है आई स्टोक इसमें बनी है अपवर्क शायद आप में से किसी को बताओ अपवर्क एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म है उसके बाद नेटफ्लिक्स आपका बना हुआ है एंगुलर के अंदर फ्री लांसर डॉट कॉम एंगुलर के अंदर बना हुआ है <coughs> प्रैक्टिकल मैं करने लगा मैं थोड़ा सा इंट्रो दे के प्रैक्टिकल की तरफ आने लगाऊँ ठीक है अच्छा उसके बाद खैर यूट्यूब वगैरह बना हुआ है इसी के बरक्स इसी के ऑपोजिट हमारे पास एक वेब एक लैंग्वेज आई थी रेड जे अब अगर जो रिएक्ट जीएस है वो बेसिकली फेसबुक वालों की है फेसबुक ने देखा अच्छा शुरू शुरू में फेसबुक जो बना था ना वो पी पे बना था लेकिन उन्होंने देखा कि यार नहीं पी पे इतनी बड़ी वेबसाइट इतनी ट्रैफिक हैंडल नहीं हो सकती फिर फेसबुक ने एक कॉन्सेप्ट निकाला मार्केट के अंदर जो कि रिएक्ट जीएस का कॉन्सेप्ट था इस टाइम पे अगर मैं आपको थोड़ सा comparison तो थोड़ा सा कंपेरिजन बताऊँ तो रिएक्ट जीएस एस कंपेयर टू द एंगुलर जीएस थोड़ा हाईली पेड है क्योंकि फेसबुक ने कंपैरिजन किया कि एंगुलर से भी ज्यादा हम लाइटवेट कोई फ्रेमवर्क निकालते हैं बेसिकली रिएक्ट जीएस जो है वो फ्रेमवर्क नहीं है वो एक लाइब्रेरी है बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भाई जान रियक्ट जीएस भी एक फ्रेमवर्क है इट इज नॉट अ फ्रेमवर्क इट इज अ लाइब्रेरी ऑफ तो हम काम स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ा रीजन क्या है ये फ्रेमवर्क निकालने का आपका एंगुलर का और नोट का सॉरी एंगुलर और रिएक्ट का कि ये पेज को रिफ्रेश नहीं करते देखिए मेरी बात सुने सबसे बड़ा वेबसाइट में इशू ही यही है कि पेज लोडिंग में टाइम लेता है आप लोग एज्यूम अगर फेसबुक पे अगर आप किसी पोस्ट पे कमेंट करते हैं और हर कमेंट के बाद आपका पेज रिफ्रेश होता ठीक है तो कितना टाइम ले लेता वो तो मेरी बात सुने ये फ्रेमवर्क्स इसलिए गए मार्केट के अंदर के पेज रिफ्रेश ना हो और हमारा सारा काम हो जाए चले हम एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो थोड़ी आपको अवेयरनेस मिले कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कोई आप में से ऐसा पर्सन इस टाइम पे मौजूद है ऑनलाइन जिसने कभी वेबसाइट खुद क्रिएट की हो लाइक बूट स्ट्रेप एज टीम सी एस एस यूज करते हुए वो मुझे मैसेज करे या मुझे थोड़ा सा बताए कि क्या कितने लोग हैं क्या रेशो है उनमें से आप लोग जितने लोग ऑनलाइन हैं अच्छा यानी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस टाइम पे वेबसाइट्स को क्रिएट किया हुआ है चले अब मैं ना थोड़ा सा आप लोगों को ना आ बताना चाह आप लोगों से क्वेश्चन मजीद है मुझे तो हाँ जी परफेक्ट है माशाल्लाह काफी लोग हैं मुझे एक बात जब आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो अगर उस वेबसाइट के अंदर फिफ्टी पेजेज है तो वो फिफ्टी पेजेज आपको बिल्डअप करने पड़ते हैं ना ठीक है materialize and bootstrap पे बनाई है आप रेम डेट इज रियली ग्रेट कि आपने ऑलरेडी आपको पता है एंगुलर वगैरह के बारे में सॉरी uh, मटेरियलाइज के बारे में ये भी एक फ्रेमवर्क है अच्छा अलग-अलग बनाने पड़ते हैं और आपको पता है उसके बाद बेसिकली आपको हर पेज के अंदर हेडर और फुटर को आपको यूज करना पड़ता है मुझे एक बात बताएं मेरी वेबसाइट के अंदर 50 पेजेस हैं तो यार हर चीज वेबसाइट पे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होती हैं हेडर हर वेबसाइट पे रिपीट हर पेज पे रिपीट होता है मेन्यू हर पेज पे रिपीट होता है फुटर हर पेज पे रिपीट होता है तो आपका कोड रिपीटेडली भर है तो हर पेज लोड होने में टाइम ले लेगा ठीक है हर पेज लोड होने में टाइम ले लेगा एंगुलर ने क्या कहा एंगुलर ने कहा रिएक्ट ने कहा यही बात है कहीं कि तो उन्होंने कहा यार एक तो आप लोग पेजेस uh, को बार बार ना लिखें मैं आपका कोड जो है वो सारा का सारा जो है वो वहीं पे आपको दे देता हूं एक मिनट जरा एक मिनट जरा वेट कीजिएगा ओके तो चले एंगुलर के बारे में थोड़ा सा बता दूं अच्छा आपको फिर एक आप लोगों से क्वेश्चन है आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछी जा रहा हूं आप में से ऑलरेडी किसने एंगुलर पे काम किया हुआ है थोड़ा बहुत बिल्कुल यानी थोड़ा बहुत भी किया हो वो मुझे मैसेज जरा अच्छा नरेंद्र ने किया हुआ और कोई और पर्सन हो जिसने किया हो काम एंगुलर के ऊपर ओके सो जस्ट आई थिंक मनाम एंड नरेंद्र जस्ट दो ही सोल्जर्स है रिकॉर्डिंग uh, की परमिशन नहीं है क्योंकि वो पीछे मैनेजमेंट uh, की तरफ से नहीं है मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ इधर अपने पास ही रिकॉर्डिंग लगा देता हूँ आप लोगों को पीएनवाई की तरफ से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जस्ट अ मिनट वेट कीजिए ओके सो अब हम वर्कशॉप को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं जितनी बातें हो चुकी हैं वर्कशॉप में वो मैं थोड़ा सा एक uh, एक मिनट के अंदर समराइज कर दूं रिकॉर्डिंग से पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया फ्रंट एंड के बारे में बैक एंड के बारे में क्यों मार्केट में फ्रंट एंड, एंड को छोड़ के लोग फुल स्टैप की तरफ आ, थोड़ा सा रुझान हो गया उनका <coughs> बारह तो अच्छा यहाँ पे ना आखिरी बात मैं थ्योरेटिकल करूंगा फिर मैं पीएच वो फिर मैं प्रैक्टिकल की तरफ जाऊंगा तो मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा एक लास्ट में थ्योरेटिकल बात करने लगा ठीक है फरहान जस्ट मैंने अभी तक इतना अवेयर किया है कि फ्रंट एंड, एंड के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस हैं आप देख सकते हैं इधर मैंने ये सारा लिखा हुआ है कि के अंदर कौन सी लैंग्वेजेस होती बैक एंड के अंदर कौन सी होती हैं अच्छा एक काम कीजिएगा अगर आप लोगों को इस वर्कशॉप का सर्टिफिकेट चाहिए तो काइंडली इस लिंक पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ये लिंक आप कॉपी करें और यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट करें और जो यहाँ पे फॉर्म ओपन होगा उसको फिलअप कर दे जो जो पर्सन ये फॉर्म फिल करता जा रहा है यहाँ पे मुझे चैट में डन का मैसेज करता जाए जरा जरा मैं दो मिनट के लिए वर्कशॉप को पॉज कर रहा आप लोग पहले यहाँ से अपना ये फॉर्म को करें जरा ओते फरहान मैं आपसे बात कर लेता बेसिकली अभी तक मैंने आपको बताया फ्रंट एंड के बारे में कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो की चलती थी और बैक एंड पे पहले दौर में कौन सी लैंग्वेजेस चलती थी फिर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ ट्रेंड चेंज होने के बाद मार्केट में जरूरत पड़ी कि कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए जो वेबसाइट्स को फास्टली एग्जीक्यूट करें तो वो एग्जीक्यूशन के लिए कुछ हमारे पास इज एंगुलर ऐसे कुछ फ्रेम तो हम फरहान फ्रंट एंड के बारे में थोड़ी बात कर रहा हूँ मैं इस वर्कशॉप के अंदर मेनली ठीक है वर्कशॉप का नेम आप लोग लिख दे फ्रंट एंड सॉरी फुल स्टैक वेब डिवेलपमेंट वर्कशॉप लिख दीजिएगा आप हाँ जी बाकी काइंडली जरा फास्टली इसको फिलअप कर लें अभी तक दो तीन लोगों ने मुझे डन का मैसेज किया बस बाकी लोग भी जल्दी से कर लें क्योंकि जो ये फॉर्म फिल नहीं करेगा वो, वो उसको डेफिनेटली सर्टिफिकेट नहीं मिल सकेगा क्योंकि रिकॉर्ड नहीं ना आया हमारे पास इस तरह से ओके सो आ, रिच ताहिर पी एच पी और एस पी डॉट में से ज्यादा पी एच पी यूज होता है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज्यादा है ठीक है बहुत okay, uh, so ज़्यादा हैं इसकी चलते आगे नेक्स्ट uh, मैं अगेन एक बात करके आगे मूव प्रैक्टिकल की तरफ करने लगाऊँ ओके परफेक्ट काफी लोगों ने कर दिए तो डन है अच्छा आप लोग काइंडली सिर्फ दो मिनट वेट कीजिएगा दो मिनट सिर्फ वेट कीजिएगा मैं काइंडली आया सिर्फ दो मिनट के लिए एक पॉज कर रहा हूँ मैं

ओके okay, स्टार्ट करते हैं अच्छा फीडबैक मैं मैं है आप आप लिया था कि आप में से कितने लोगों ने फ्रंट का काम किया हुआ ठीक है अब आप में से माशाल्लाह काफी लोगों ने फ्रंट एंड का काम किया हुआ आप लोग डिफरेंस देखिएगा कि अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ एस टी में सी एस एस और बूट स्ट्राइप में जस्ट उसमें क्या डिफरेंस है और अब मैं जो एंगुलर में एक छोटा सा टेम्पलेट बनाऊंगा उसमें क्या डिफरेंस है एंगुलर जी एक फ्रेमवर्क है बेसिकली उसे हमें पहले अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है ठीक है एंगुलर को यूज करने से पहले इन सब का ठीक है आ, एजाज आप लोग आप नाम लिख लें फुल स्टैक वेब डेवेलपर वर्कशॉप है ठीक है आप अपने आ, खुद लिख लीजिएगा जरा नाम ठीक है अच्छा करंटली मेरी बात सुनिएगा आपका जो एंगुलर है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है और इन सब का जो पेरेंट है whatever वो एंगुलर है वो रिएक्ट है इन सब का जो पेरेंट है वो है नोड जीएस मेरी बात सुने नोड जीएस क्या चीज है ओपन सोर्स एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरमेंट है बेसिकली बैकेंट जितने आपके बने बनाए मैं बड़े अगर एक आसान अल्फाज में तो बहुत ही आसान अल्फाज बने बने जो मॉड्यूल्स है ना आपके सारे के सारे एंगुलर के लिए और रेक्ट के लिए वो सारे नोड के जरिए आते हैं सारे के सारे आपका वैसे ही बेसिकली बैकएंड लैंग्वेज है आपका अगर वेबसाइट का कोई भी बैकएंड लिखा जाता है तो वो नोड में लिखा जाता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अलबोरेट कर दूं ठीक है मैं आप लोगों से बात ये करने लगा था <coughs> बात वहीं रह गई थी काइंडली ये जरा सुनिएगा मेरी बात यहाँ पे हाँ जी मैं दोबारा से बताने लगा यहां पे इस टाइम पे ना मार्केट के अंदर ये एक मीन स्टैक का कॉन्सेप्ट चल रहा है कहते हैं यार आप लोग करंटली नेट पे भी इसको सर्च आउट कीजिएगा मीन स्टैक बेसिकली क्या है मीन स्टैक एक फैमिली है जो के कहती है कि मुझे मोंगो टी डाटा बेस चाहिए ठीक है यहां पे ये एक चीज आती है जो के बेसिकली एक्सप्रेस है ये बेसिकली क्या चीज है ये आपकी एक एंगुलर है और ये आपका बेसिकली क्या चीज है ये आपका नोड जे एस है ठीक है हुस्मैन ये एक लिंक इन्होंने दिया पी एन वाई वालों ने मैं लिंक को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं अगर आप में से किसी को किसी को भी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो ये लिंक को आपको फिलअप करना पड़ेगा डेट से ठीक है वो पी एन वाई आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेगा अच्छा मुझे एक बात बताएं एक वेबसाइट को बिल्डअप करने के लिए एक वेबसाइट को बिल्डअप करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए मैं एक मिनट इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा दूं। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए एक मुझे चाहिए फ्रंट एंड एक मुझे चाहिए फ्रंट एंड के अंदर कोई भी मुझे टेक्नोलॉजीज चाहिए एक मुझे चाहिए यहां से बैक एंड एक मुझे चाहिए यहां से डेटाबेस मुझे ये तीन चीजें चाहिए होती हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए ठीक है उसने क्या कहा बेसिकली वो बेसिकली यहां पे क्या कह रहा है मोंगो डेटाबेस तुम लोगों को चाहिए ये मोंगो डीबी यूज करो ये क्लाउड बेस नो एसक्यूएल डेटाबेस है वो कहता है फ्रंट एंड चाहिए तुम लोगों को तो ये यूज करो वो कहता है अगर तुम्हें वेबसाइट का बैक एंड लिखना है तो ये यूज करो फिर बच गया पीछे एक्सप्रेस जेएस ये एक्सप्रेस जीएस बेसिकली नोड जीएस के साथ ही काम करता है ये क्यों यूज होता है एपीआई लिखने के लिए लाइक like आपका जितना लॉजिकल पार्ट नोड जीएस के अंदर लिखा जाता है वो सारा एक्सप्रेस जीएस के तहत लिखा जाता है तो उन्होंने कहा अब अगर एक वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं एच में सीएसएस बूटसैप में और दूसरी वेबसाइट आप बना रहे हैं इसके अंदर उसका एग्जीक्यूशन टाइम का जमीन आसमान का फर्क है ठीक है चीजों को यहाँ पैराल लेकर चलते हैं तो जाहिर बात है यार एक कॉमन सेंस है एपीआई बेसिकली होती है कि आप ने मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है आपने कोई एक पीस ऑफ कोड रख ली है वो आप सेल कर सकते हो मिसाल के तौर पर मैंने एक वेबसाइट बना रहा हूँ उस वेबसाइट में मैं चाहता हूँ कि जितने लाहौर के अंदर पीटीसीएल नंबर है मेरी बात गौर से सुनिएगा एपीआई की एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ठीक है मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं जितने लाहौर के पीटीसीएल रजिस्टर्ड है मैं उनका डाटा कलेक्ट करके अपनी वेबसाइट पे दिखाऊं तो मैं पीटीसीएल से कहूँगा मुझे अपनी ए पी आई दो ए पी आई वो मुझे सेल करेंगे वो मेरे से पैसे लेंगे और मुझे अपनी ए पी आई सेल करेंगे कि ये लिंक आपको हम दे रहे हैं इस लिंक को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करो और आपको सारा का सारा हमारा डाटा हमारे जो यूजर्स है उनका डाटा मिल जाएगा गूगल मैप से एक एपीआई है गूगल वेब सबसे बड़ी एग्जाम्पल है एपीआई की ठीक है अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों से बात क्या कर रहा था यार एक वेबसाइट जब हम बनाने बैठते हैं मुझे आंसर दीजिएगा हम सबसे पहले उसका डेटाबेस बनाते हैं फ्रंट एंड बनाते हैं या एंड बनाते हैं क्या बिल्डअप करते हैं हम सबसे पहले फ्रंट एंड ना एग्जेक्टली कॉमन सेंस की बात है कि हम सबसे पहले उसका फ्रंट एंड बिल्डअप करेंगे तो अगर हम इसको देखें इस फैमिली को देखें तो असूलन तौर पे हमें फिर पहले फ्रंट एंड बिल्डअप करना चाहिए ना हम फ्रंट एंड बिल्डअप करेंगे तो ही उस पर बैक एंड लगाएंगे लाइक like मैं कह देता हूँ एक मिनट जरा हम सबसे ऊपर यहाँ पे रख लेते हैं हम सबसे ऊपर यहाँ पे फ्रंट एंड बिल्डअप करेंगे तो ही फिर हम डेटा का, का काम और बैक का, का काम करेंगे सो आई एम गोइंग टू डिवेलप स्मॉल स्केल टेम्पलेट ऑन एंगुलर जीएस तो काइंडली आप लोग देखिएगा ये किस तरह से वर्क करता है आप लोगों ने सबसे पहले अगर एंगुलर जीएस इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ इसके आप लोग काइंडली इसको देखिएगा फोकस कीजिएगा अच्छा एंगुलर जेएस एक अलग चीज है एंगुलर एक अलग चीज है मेरी बात गौर से सुनिएगा नरेंद्र कुमार डेटा बेस, आप डाटा आप बेसिकली डेटा बेस बिल्डअप करनी है तो आपको पहले स्कीमा डिजाइन करना पड़ता है ठीक है तो अच्छा सुनिएगा सबसे पहले आप लोगों ने क्या इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है नोट जे नोट जीएस किस तरह से इंस्टॉल करना है सिंपली uh, मैं इधर आता हूँ यहाँ पे मैं आके लिखता नोट जीएस डाउनलोड ये आप यहां पे क्लिक कीजिएगा और नोट जीएस जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा अच्छा किस तरह से करना है यहाँ पे ये यह देखे इन्होंने बहुत ज्यादा एक वेरिएशन दी गई है एनपीएम प्रेम एनपीएम uh, तब होता है जब हम नोट जीएस को इंस्टॉल करते हैं क्योंकि एनपीएम भी नोट जीएस के मॉड्यूल्स है नोट जीएस के बगैर नहीं चलता अच्छा इस टाइम पे आप लोगों ने देखना एक तो आपके पास कौन सा सिस्टम है विंडोज है मैक है Linux है कौन सा है फिर आपने देखना विंडोज के अंदर आपके पास कितने बिट का सिस्टम है लाइक like, मेरा जो इस टाइम पे लैपटॉप है वो सिक्सटी फोर बिट का है मैं और आपने इसको करना है एमएसआई को बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है एम एस आई को करना है सिक्सटी फोर बिट पे मैंने क्लिक किया और ये एटीन पॉइंट एट एम बी का ही आ जाएगा अच्छा डिफरेंस क्या है एंगुलर और एंगुलर जीएस के अंदर आपका एंगुलर फाइव तक जो था ना वो एंगुलर था एंगुलर जीएस था एंगुलर था फिर मार्केट में निकल आया एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट टीएस यार जावा स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन क्या होती है डॉट जीएस उन्होंने मार्केट में एक और चीज निकाल दी उन्होंने कहा अब ये एंगुलर खाली एंगुलर है जो कि किस पे काम करेगा टाइप स्क्रिप्ट पे ये जावा स्क्रिप्ट की अपग्रेडेशन है टाइप स्क्रिप्ट आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक है अच्छा जिस, जिस को नहीं आ रही उसका अपने end से इशू है ठीक है आ, मेरी तरफ से जो है वो एक्नोलिजमेंट मैंने लिया आवाज क्लियर है ठीक है अच्छा मेरी बात सुनिएगा हमने बेसिकली यूज करना है एंगुलर नॉट एंगुलर जे ये लेटेस्ट है और ये लेटेस्ट नहीं है डिफरेंस है आपको कल को कोई भी पूछे ना कि भाई एंगुलर और एंगुलर जीएस में क्या फर्क है आप सिंपल उसे कहें कि एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है और एंगुलर जीएस, जीएस में जावा स्क्रिप्ट यूज होता है ठीक है तो चले इंस्टॉल किस तरह से करना है मैं स्टेप्स यहां पे लिख रहा था सबसे पहले आपने नोट जीएस इंस्टॉल करना है Node .js कर लेंगे तो ये देखें आप इसको ओपन करें नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें खैर मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमजा टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट है एक जैसी लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अपने कॉन्सेप्ट कुछ और ज्यादा है ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे ये यह कुछ थोड़ा सा लोड कर रहा है

हो गया अच्छा आप में से किसी को पता है विंडोज के अंदर एक चीज होती है कमांड प्रॉम्प्ट ये क्यों यूज होता है किसी को पता है कमांड प्रॉम्प्ट शायद किसी को पता होगा कि क्यों यूज करते हैं विंडोज के अंदर अच्छा अगर किसी को नहीं पता तो चलो जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बात कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट होता है बेसिकली कि आप पूरे लैपटॉप में डायरेक्टरीज में लैपटॉप के अंदर किसी भी डायरेक्टरी में कमांड्स लिख के जा सकते हैं यानी आसान अल्फाज में कहूं तो पूरे लैपटॉप को कमांड्स के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है बगैर यूजर इंटरफेस के आप काम कर सकते हैं और कमांड प्रोम के और भी बहुत काम है अब अगर आप लोगों ने नोड जी एस को चेक करना है कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ आप लोगों ने कमांड प्रोम ओपन करना है यहां पे लिखना है नोड डैश वी जैसे ही लिखेंगे ये बता देगा कि इस टाइम पे मेरे लैपटॉप के अंदर नोट जीएस का कौन सा वर्जन स्टेबल है अंडरस्टूड ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं तो फिर आगे चलते हम नहीं एंड्रॉयड मोबाइल्स पे नहीं होगा हुसनैन आपको इसके लिए कोई पीसी चाहिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा चाहिए मोबाइल पे आप बिल्डअप नहीं कर सकेंगे ठीक है अच्छा, सेकेंडली मुझे एक चीज चाहिए इसके बाद इसके बाद मुझे चाहिए सी एल आई कुछ भी नहीं मैंने जस्ट ये बात कही है कि आप यहाँ पे जाए यहाँ पे सिक्सटी बिट या किसी को क्लिक करें जो भी सेटअप आएगा उसे नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लीजिएगा डेट सेट ठीक है ओके okay. अब ये क्या चीज है एंगुलर सीएल आई सीएल फॉर कमांड लाइन इंटरफेस एंगुलर कहता है कि यार तुम लोगों ने अगर कमांड लाइन इंटरफेस सीएल कमांड प्रोम यूज करना है या मेरी कमांड्स चलानी है क्योंकि एंगुलर सारा चलता है कमांड्स पे रिएक्ट चलता है कमांड्स पे नोट जेस चलता है कमांड्स पे वो कहता है अगर तुमने मेरी कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है तो तुम्हें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा और आखिरी स्टेप क्या है हमारे पास हमें एंगुलर का एक न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा अच्छा इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है वो कमांड किया है, मैं आपको दिखाता हूं ये देखिएगा ये एंगुलर का अपना ब्लॉग है गाइड है सारी सबसे पहले वो भी बता रहे हैं कि आपने क्या करना है नोडजेस इंस्टॉल करना है उसके बाद एंगुलर सी एल आई इंस्टॉल करनी है ये कमांड है हमारे पास एंगुलर सी एल आई इंस्टॉल करने की अब मेरी बात गौर से सुनिएगा यहाँ पे ठीक है फाइज अब मैं क्या करूँ आप लोगों का अपना इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है इधर से कोई इश्यू नहीं है मेरी तरफ से अच्छा आप लोगों ने ये देखा इस सबसे पहले ये एक चीज लिखी है एनपीएम NPM का मतलब है कि ये सारा का सारा नोड जीएस इंस्टॉल करेगा एनपीएम जहां पे आप लोग एनपीएम का लफ्ज़ सुनेंगे समझ जाइएगा नोड जीएस ठीक है थीके? ओके मैंने क्या करना है यहां पे ये कमांड को रन कर देना मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी वो इंस्टॉल्ड है तो आप लोग काइंडली अगर करना चाहें तो इसको आप यहां से ये कमांड चलाइएगा ठीक है आप कर सकते हैं अब मेरी बात सुने कमांड लिखने की धर है सिंपल है यार आप लोगों ने कोई इतना कोई परेशानी वाली बात नहीं है आप लोगों ने सिंपल यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और यहीं पे पेस्ट कर दो ठीक है आ, क्या किसका इशू आ रहा है जैनब और फाइज का इशू आ रहा है एक मिनट ओके okay. तो खैर आप लोगों ने यहां पे एंटर करके इसको लिख के एंटर कर देना है अच्छा मुझे एक बार एक्नॉलेज कर दें कि यहां तक किसको समझ आ गया आई मीन टू से स्टेप नंबर टू तक किसको समझ आ गया होगा यहां तक वो मुझे एक्नॉलेज करे जरा अब दो लोगों का इशू आ रहा है कि आई थिंक उनको स्क्रीन वगैरह नहीं शेयर हो रही तो खैर लास्ट द लास्ट थिंग इज अक्सर आपने हैंड रेस किया जी बोलिए लास्ट थिंग इज के आप लोगों ने एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है मैं कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन करूंगा मेरी बात सुनिएगा ठीक है मेरी स्क्रीन शेयर है काइंडली आप लोग देखिएगा मेरी सारी की सारी स्क्रीन आप लोगों के साथ कंप्लीटली इस टाइम पे शेयर है जस्ट अ मिनट मैं ये देखें यू आर शेयरिंग द स्क्रीन मैं कैसे बताऊं तो खैर बहरहाल अच्छा मेरी बात सुनिए आप लोगों ने सीएमडी दोबारा ओपन करना है आप लोगों ने किधर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है ये आपकी मर्जी है पूरे लैपटॉप के अंदर पूरे कंप्यूटर के अंदर आप कहीं पे भी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं इट्स अप टू यू ठीक है अब मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोगों ने न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है इसकी भी एक कमांड है इधर आना है इधर आके आपने कमांड लिखनी है एन न्यू और अपनी मर्जी का कोई भी प्रोजेक्ट का नाम लिख लो यार According to this command, मैं अगर इधर आऊं तो मैं कमांड लिखता हूं एनजी न्यू और मैं मिसाल के तौर पे इस project का नाम रख लेता हूं वर्कशॉप सबसे पहले वो देखें क्या मैसेज आया मैसेज पढ़ें। अच्छा राउटिंग का मतलब क्या होता है मुझे जनरली पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से राउटिंग का क्या मतलब होता है पाथ एक रस्ते को लिंक्स को सेट करना अब मैं इसकी बहुत एक सादी सी एग्जाम्पल एक सिंपल सी एग्जाम्पल ये बोलूंगा कि वो कहता है कि तुमने पेजेस को जब लिंक करना है पेजेस के पाथ सेट करने हैं वो तुम प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहोगे तो यस या नो मैं कह देता तो हूँ हां जी मैंने राउटिंग इंक्लूड करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर फिर एंगुलर कहता है तुम डिजाइनिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे सी एस 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 सी एस एस सास लेस ये सारी एक तरह से स्टाइलिंग की एग्जाम्पल्स है ना तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा कि मैंने जो है, वो बेसिकली है। यहाँ पे सी एस एस मैंने एंटर किया एक मिनट सॉरी तो खैर ये अब तकरीबन आई थिंक फाइव मिनट्स लेगा और ये आपका प्रोजेक्ट ये देखें यहाँ से आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा मेक श्योर sure कीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बेहतर हो तो बस हम इसके हाँ जी मैंने सी एस एस लिखा मैंने है, मैंने है, है मैंने जो चूज किया वो इस टाइम पे मैंने जो चूज किया वो सी एस एस चूज किया मैंने तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल ये इंस्टॉल हो जाए फिर हम आगे इस पे काम करते हैं तो आप लोग जस्ट वेट कीजिएगा दो से तीन मिनट ये इंस्टॉल हो जाए हाँ जी जब भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट एक न्यू क्रिएट करना है तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी लेकिन इसका मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा हल क्या <coughs> हाँ जी ये सारा कमांड बेस्ट है मैं आपको एक छोटा सा हल बताता हूँ इसका देखो यार बार बार आके मुझे कमांड लिखनी पड़ रही है अच्छा काइंडली यार ये आप एनोटेशन यूज कीजिए मैं फिर से कह रहा हूँ अच्छा मुझे बार बार यहाँ पे आके कमांड लिखनी पड़ रही है बार बार आके कमांड लिखनी पड़ेगी टाइम लगेगा आप क्या करें एक बार ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा ना एक फ्रेश कॉपीज की साइड पे रख लें आप जब भी आपने नया प्रोजेक्ट बनाना उस प्रोजेक्ट को रीनेम करो और अपना काम शुरू कर दो ठीक है समझ आइए मेरी बात मैंने कहा क्या है इंस्टॉलेशन से बार बार बचने के लिए अः आ... एजाज आप दोबारा से काइंडली आपको मैं लिंक भिजवा देता हूँ पी एन वाई को कहता हूँ दोबारा से सेशन एंड होने से पहले दोबारा लिंक सेंड कर दे ठीक है अच्छा ये प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो गया काइंडली मेरी बात गौर से सुनिएगा प्रोजेक्ट हमारा इंस्टॉल हो गया सबसे पहले हम देख लेते हैं हाँ जी प्रैक्टिकल नरिंदर प्रैक्टिकल ही तो स्टार्ट करने लगे हम सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितने साइज पे आया है ये इस टाइम पे मेरे पास किधर गया ये वर्कशॉप के नाम से होगा अच्छा मैंने बल्कि उसको गलती से किधर कर दिया है मैं सी में मेन पे करना चाह रहा था लेकिन चलो हमने किधर कर दिया उसको यूजर्स के अंदर डेल के अंदर तो मैं अगर इधर आऊं तो यूजर्स के अंदर इसके अंदर ये मेरे पास प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है खैर ये पड़ा हुआ बगैर काम किए इसका कितना साइज है भाई अभी हमने कोई काम नहीं किया और इसका 282 MB का प्रोजेक्ट है फ्रेश ठीक है 282 MB का फ्रेश प्रोजेक्ट है आप लोगों ने अगर इसको बाद में यूज करना है यार एक जिप फाइल बना के यूं रख लो इसकी लाइक एक यूं जिप फाइल बना के रख लो जब भी नया प्रोजेक्ट बनाना है इस फाइल को अनजिप करो और काम स्टार्ट कर दो इस पे लेकिन मैंने zip करा आप लोगों को समझा दिया दैट इज आई थिंक सो दैट इज इनफ वर्कशॉप का फोल्डर डिफॉल्ट नहीं क्रिएट हुआ ये देखो मैंने यहाँ पे खुद लिखा वर्कशॉप का नाम ये देखो एनजी न्यू और मेरी मर्जी का अपना कोई भी नाम आप अपना नाम रख लो आप कुछ इस कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे उस कंपनी का नाम रख लो आप पे डिपेंड करता है सारा का सारा ठीक हो गया चले अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ मैं बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूं आई थिंक आप लोगों आप में से काफी लोग फेमिलियर होंगे इस सॉफ्टवेयर से ओके okay, uh, चले मैं इस पूरे के पूरे फोल्डर को यहां ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर लेता हूँ साइड पे सो so, मेरे पास साइड पे यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट आ गया ये एंगुलर का वो प्रोजेक्ट है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है मैं इसको खोलूँ तो ये सारी फाइल्स हैं इसकी ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है अब सबसे पहले मैंने एंगुलर का सर्वर स्टार्ट करना है एंगुलर का सॉफ्टवेयर विजुअल स्टूडियो कोड है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कोड ये ऊपर नेम लिखा हुआ है अच्छा अब मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है सर्वर को स्टार्ट करना है मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ एक मिनट मेरा प्रोजेक्ट का क्या नाम है वर्कशॉप सबसे पहले मैंने उस फोल्डर के अंदर जाना है आपने क्या लिखना है सी डी स्पेस उस फोल्डर का नेम और यहां पे आपने एक कमांड लिखनी है मैं यहां पे आपको कमांड बता देता हूं प्रोजेक्ट चलाने की कमांड किया है बस ये कमांड है एनजी सर्फ तो आप एनजी सर्फ लिख सकते हैं या उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं मैं जस्टोर sure करूं इसको तो यहां पे आगे मैं सिर्फ इतना लिखूंगा खैर इसकी एनजी सर्फ भी है एनजी स्टार्ट भी है लेकिन मोस्टली uh, जो यूज होती है वो एनजी सर्वर आप uh, इसके जरिए सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं अब ये देखें यह क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैं आपका सर्वर बिल्डअप कर रहा हूँ थर्टी परसेंट हो गया इस तरह से बढ़ जाएगा और फाइनली मेरे पास लिखा आ गया कि आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट का सर्वर स्टार्ट हो गया किस पोर्ट पे पोर्ट नंबर फोर्टी टू हंड्रेड तो एंगुलर किस पे चलता है एंगुलर की जो पोर्ट है वो आपके लैपटॉप के कंप्यूटर की फोर्टी टू हंड्रेड है तो मैंने इधर आना है ब्राउजर पे इधर आके मैंने लिखना है लोकल होस्ट जैसे ही मैंने एंटर किया ये आपका एंगुलर का प्रोजेक्ट का सबसे मेन पेज आपके सामने आ गया हाँ जी जैम्प नहीं, नहीं इसके लिए जैम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है जैम वगैरह के अलावा हम ये सारा का सारा काम कर सकते हैं जैम तो बेसिकली यह है कि जब हमने कोई पी एच पी का काम का या लारावेल का काम का करना हो कोई डाटा बेस का काम करना हो तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं ठीक है <coughs> <coughs> अच्छा आई थिंक सो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा प्रोजेक्ट को डाउनलोड कैसे करना है और प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है अब हम चलते हैं आगे अपने काम की तरफ अब थोड़ी सी हम डायरेक्टरी को समझते हैं मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ी सी डायरेक्टरी समझाऊं तो वो सिर्फ इतना देखिएगा एंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या है सबसे पहले मेरी बात गौर से सुनिएगा यहाँ पे अब मैं जरा थोड़ी टेक्निकल बातें बोलने लगो एंगुलर के अंदर ना इफ यू आर मेकिंग मल्टीपल पेजेस वेबसाइट्स वेबसाइट आयशा यूज कर सकती है लेकिन वो इतना, इस के लिए इतना अच्छा नहीं है ड्रीम लिवर यार ज्यादातर लोग तब यूज करते जब फ्रंट एंड का काम करना हो वो उसके लिए बहुत अच्छा है <coughs> अच्छा मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे हाँ जी मैं यहाँ पे ये वर्ल्ड की फाइल बट मैं शेयर कैसे करूँ आई थिंक से यहाँ पे अटैचमेंट का कोई नहीं है। आप लोग काइंडली स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा मैं इसको थोड़ा सा कर पे, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुने मेरी बात सुनिएगा एंगुलर कहता है कि मेरे तुम अगर मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बना रहे हो ना सुनना मेरी बात पहले गौर से सुन लीजिए वो कहता है अगर तुम मल्टीपल पेजेस वेबसाइट भी बना रहे हो ना तब भी एंगुलर एक पेज बनाएगा तुम्हें दिखने में लगेगा कि तुम पेजेस पे मूव कर रहे हो लेकिन असल में वो पेजेस नहीं होंगे एंगुलर कहता है तुमने पेजेस की जगह कंपोनेंट्स बनाने हैं एंगुलर ने कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया मार्केट में आके वो कहता है भाईजान तुमने पेजेस नहीं बनाने आज के बाद होम का अबाउट का, अस का वो कहता है तुमने पेजेस नहीं बनाने तुमने कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स पेजेस का काम करेंगे अब इस टाइम पे जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है एंगुलर का जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का नाम है ऐप ये डिफॉल्ट कंपोनेंट है एंगुलर का सुनिएगा आप जरा मैं अगर प्रोजेक्ट को ओपन करूं ये सोर्स आपका किसी चीज से कंसर्न नहीं है आपने सिर्फ सोर्स के फोल्डर को खोलना ये एंगुलर का वो मेन पेज है जिसकी मैंने अभी बात की थी ये देखें ये मैंने अभी आपके सामने क्या बात की थी इफ यू आर मेकिंग मल्टीपल पेजेजर है तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम लिखू तो इसका नाम किया इंडेक्स डॉट एच टी एम यहाँ तक क्लियर हुआ इसके अलावा एंगुलर के अंदर कोई पेज नहीं है भाई हमारी वेबसाइट के लिए अब कनेक्टिविटी चेक करना मैं आपको थोड़ी सी कनेक्टिविटी का बताता हूँ थोड़ी सी यहाँ पे ना मैं डायग्राम से समझाता हूँ एक रफ डायग्राम समझाता हूँ देखो यार ऐसे ही मुंह उठा के प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे तो समझ नहीं आएगी थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट ले ले एंगुलर का फिर हम स्टार्ट करते हैं मैं एक छोटा सा एक आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं आपके पास एक एंगुलर के अंदर मेन पेज है ठीक है जो कि आपका अभी मैंने बताया जो कि है आपके सामने इंडेक्स जी एस इसके अंदर एक मेन कॉम्पोनेंट कॉल होता है उस कंपोनेंट का नाम किया आपके पास एप कंपोनेंट। अब एंगुलर कहता है तुमने जितने पेजेस बनाने हैं तुमने एक होम का पेज बनाना है सॉरी मैं ये से लिख रहा हूं, इसलिए जरा राइटिंग इस तरह की आ रही है एक होम का पेज बनाना है तुमने एक अबाउट का पेज बनाना है मिसाल दे रहा हूं मैं एक अबाउट का पेज बनाना है उसके बाद तुमने जो भी पेजेस बनाने हैं लाइक कुछ भी पेजेस बनाने हैं तुमने वो सारे के सारे पेजेस किधर जाके पुट होंगे ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर जाके पुट होंगे ऐप वाले कंपोनेंट के अंदर ठीक है और ऐप वाला कंपोनेंट बेसिकली पेज के अंदर जाएगा यानी हमने जितने पेजेस बनाने हैं हमारा ऐप वाले कंपोनेंट से कंसर्न है और ऐप वाला कंपोनेंट यार इसकी मिसाल देता हूँ एक कंपनी के अंदर सबसे लोअर वाला बंदा किससे रहा करता है ठीक है सबसे लोअर बंदा किससे रहा करता है अपने मैनेजर से फिर मैनेजर किससे रहा करता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीईओ से एक एक ऑर्डिनरी इंप्लॉय को परमिशन नहीं होती कि वो डायरेक्ट बात कर ले किससे जाके सीईओ से एग्जांपल दे रहा हूँ एक अच्छी कंपनीज में इस तरह तो ही होता है तो ये समझ लो ये ऑर्डिनरी इंप्लॉयज हैं ये इनका मैनेजर है और ये यहाँ पे सीईओ बैठा हुआ है ये ये सीईओ है मैंने बहुत एक आसान तरीके से समझाया मुझे एक नॉलेज करें कि कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया आपको हाँ जी समझ आया मुझे बताइएगा हाँ जी हाँ जी फैसल आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग और मटेरियल वगैरह सब मिल जाएगा चलेकली uh, uh, मैं अगेन थोड़ा सा इसको आ, बोलूंगा लास्ट में साइकिल मैंने बस यही कहा कि ये मेनली जो पेजेस है वो ऐप से जोइन है कंपोनेंट्स और ऐप कंपोनेंट इधर कॉल है यार सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ मैं इनकी कनेक्टिविटी की ये देखो इनकी कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ ये आप देख रहे हैं इंडेक्स.html का पेज है ये कंपोनेंट ऐप को कॉल किया हुआ है अगर मैं यहां पे कमेंट दूं ना

यहाँ पे के जाके आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता जब आप ब्राउजर में डाटा सेव करोगे यहाँ पे सॉरी अपने कोड में डाटा सेव करोगे आपका ब्राउजर खुद ही रिफ्रेश कर देगा भाई जन खाली हो गया पेज मैंने क्या किया वो मेन कंपोनेंट ही गायब कर दिया था मैं दोबारा सेव करता हूँ दोबारा ब्राउजर पे आता हूँ पेज खुद ही लोड हुआ और वो कॉम्पोनेंट मेरा सारा वापिस आ गया इज दैट क्लियर तो इससे क्या साबित हुआ इससे यह साबित हुआ कि ऐप का कंपोनेंट वाकई पेज से ज्वाइन हुआ हुआ अब बात आती है कि यार ये पड़ा हुआ है? कि लोकेशन किधर है ऐप की जो लोकेशन है हमारा जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं लोकेशन ऑफ डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट, इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पास किधर है ऐप का फोल्डर होगा आपका सॉरी सोर्स का फोल्डर होगा यहां ये देखें लाइक like जिस तरह से ये सोर्स का फोल्डर एस आर सी का फोल्डर है इसके बाद हमारे पास एप का फोल्डर है एप के फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ है मेरा ऐप का कॉम्पोनेंट ठीक है आखिरी मेरी थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात हर कॉम्पोनेंट के चार टुकड़े होते हैं जब भी आप कॉम्पोनेंट बनाते हैं चार कंपोनेंट के चार फाइल्स बनती हैं ठीक है कौन कौन सी फाइल होती है गौर से सुनिएगा एक होती है उसकी एच की फाइल ठीक है आ, दूसरी होती है उसकी सीएसएस की फाइल तीसरी होती है उसकी डॉट टी एस आई मीन मैंने कहा था ना हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल और जो चौथी फाइल होती है वो होती है उसकी बेसिकली uh, इसकी जो चौथी है वो भी टाइप स्क्रिप्ट है लेकिन वो यूज नहीं होती आप अक्सर देखेंगे वो यूज नहीं होगी वो होती है स्पेसिफिकेशन फाइल तो यार भाई जब भी हमने कंपोनेंट बनाना है ये चार फाइल्स आपके पास मौजूद होनी चाहिए इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं कंपोनेंट आपको ऐप का कंपोनेंट दिखाऊं जो डिफॉल्ट कंपोनेंट है हमारा ऐप के फोल्डर को ओपन करें ये आपके पास एक दो तीन और ये चार ये चार फाइल्स आपकी कंपोनेंट की हैं, ठीक है बाकी ये राउटिंग की फाइल है और ये मॉड्यूल्स की फाइल है रजिस्टर करने की अब ये देखें ये मैं सारा कोड अगर यहां से खत्म कर दू बस ये आखिरी टैग ना खत्म कीजिएगा ये राउटिंग के लिए यूज होता है ठीक है अगर मैं इधर आगे लिखू वेलकम टू वर्कशॉप खुद ही रिफ्रेश हो गया लिखा आ गया इसका मतलब है कि मेरा ऐप का कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल यही है डन क्लियर चलें अब हम थोड़े-थोड़े कंपोनेंट्स -थोड़े बनाना शुरू करते हैं और मैं आपको एक छोटा सा लेआउट बना के दिखाता हूं होपफुली यू विल लाइक इट ठीक है देखिएगा जरा इसे सबसे पहले एक बात आती है कंपोनेंट को बनाने की कमांड क्या है सुनिएगा जरा आपकी कमांड किया आपने बेसिकली यहां आके लिखना है ng new ठीक है और सॉरी सॉरी ng g j standford generate c c standford component और अपनी मर्जी का कंपोनेंट का नेम लिख देना आप अकॉर्डिंग टू दिस मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊं ये भी कमांड प्रॉम्प्ट में लिखनी है हमने अच्छा एक कमांड प्रॉम्प्ट मैंने चलाया हुआ है सर्वर के लिए ये देखो इस पे मेरा सर्वर चल रहा है इसको ना छेड़ना एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिएगा आप लोग ठीक है आ, मैं इधर आता हूं और सबसे पहले मैं जाता हूँ उसके अंदर वर्कशॉप यहां पे यार मैंने एक पेज बनाना है गौर से सुनना है. मैंने यहाँ पे एक पेज बनाना है होम का चलो तीन चार पेजेस बनाते हैं होम का अबाउट अस का अस का तीन पेजेस है मैंने क्या करना है एनजी जी सी मैं कहता हूं एक पेजिस का फोल्डर बने गौर से सुनना पेजिस का फोल्डर बने और उसके अंदर एक कम्पोनेट बन जाए होम का अब ये देखे जैसे ही मैंने इसको एंटर किया एकदम से वो कह रहा है कि भाईजान मैंने कितनी फाइल्स बनाई हैं? चार फाइल्स बनाई हैं कौन कौन सी बनाई है एच टी एम एल स्पेसिफिकेशन टी एस की फाइल और सी एस एस की फाइल अच्छा उसके बाद मैं इसी के जरिए होम के बाद यहां पे कर लेता हूँ अबाउट का और अबाउट के पास में एक और बना लेता लास्ट वन वाला कॉन्टेक्ट का अभी मैंने यहाँ पे तीन कॉम्पोनेंट बेसिकली बना लिए अच्छा नेक्स्ट पे मैं इधर आता हूँ और ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊं ये पेजेस का एक फोल्डर है मैं अगेन बता देता हूँ बेसिकली समय बेसिकली आपने जब भी कॉम्पोनेंट बनाने हैं आपने ये कमांड ये तो तीन लफ्ज़ समझ लो रट्टा है ना ये तीन लफ्स तुम लोगों ने लिखने ही लिखने हैं उसके बाद अगर कोई फोल्डर बनाना है तो वो लिख दो और ये आपके कॉम्पोनेंट का नाम है ठीक है ओके सो ये देखे जी मेरे पास कितने कॉम्पोनेट बन गए पेजिस का फोल्डर खोलू तीन कॉम्पोनेंट बने हैं और हर कॉम्पोनेंट को खोलू तो चार फाइल्स है आई नो के थोड़ी सी डायरेक्टरी कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो, हो रही होगी लेकिन कोई इतना मुश्किल बात नहीं है सिंपल सिंपल सा काम है। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा मैं होम वाले कंपोनेंट के अंदर आगे कुछ काम करना शुरू करता हूँ मैं इसके एच आता में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला कंपोनेंट जो है वो मेन मैंने अभी क्या कहा था यार इस डायग्राम से आप लोगों को मुझे एक बात बताना मैंने कहा था जितने कंपोनेंट बनेंगे वो किधर कॉल होंगे ऐप के अंदर ऐसा कहा था ना तो भाई अब इस कॉम्पोनेंट को इस कॉम्पोनेंट में कॉल कैसे करना है वो भी तो देख लेते हैं आपने जब भी कोई कॉम्पोनेंट कॉल करना है मेन के अंदर ये देखो इस कॉम्पोनेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है होम कॉम्पोनेंट मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूं होम कॉम्पोनेंट वर्क्स आपने जब भी ये कॉम्पोनेंट मेन के अंदर कॉल करना है तो आपने यहां पे आके एक टैग बनाना है टैग में क्या लिखना है ऐप डैश और वो वाले फलाने कॉम्पोनेंट का नाम बस मैं अगर अगेन इधर आऊं तो क्या ये कंपोनेंट कॉल हो गए हाँ भाई पहले मुझे यहां तक बताओ एक्नोलेज करके कि समझ आई है कि नहीं आई करें मुझे जरा कि यहां तक आप लोग माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है मुझे बताइएगा जरा मैं बहुत एक ग्राउंड लेवल पे रह के बातें कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए बहुत ही ग्राउंड लेवल पे रह के जी सलमान सुल्तान कुछ पूछना है तो पूछिए आप ओके okay, चले फिर हम आगे चलते कमांड्स uh, बेसिकली ये uh, मेरी कमांड है मैंने लिखी है बेसिकली एन जी जी सी और कंपोनेंट का नाम और अगर आप साकिब मेन में कॉल करना है तो सिंपल आपने काम करना है ये देखो ना यार वो कंपोनेंट है और आपने ऐप लिख के वो कॉम्पोनेंट को कॉल कर देना है मैं मिसाल देता हूं कॉल करना है मैं, मैं कॉन्टेक्टर्स के कॉम्पोनेंट में आया और इधर आके मैंने एक पैराग्राफ के अंदर लिख लिया फील टू कॉन्टेक्टर्स ठीक है अब मेरी बात सुनिएगा मैंने इसको भी कॉम्पोनेंट के अंदर कॉल करना है उसके अंदर अपने मेन के अंदर तो भाई आसान वही तो बात है इधर आना है इधर आके मैंने लिखना है यूं एप और कॉम्पोनेंट का नाम क्या है मेरा कॉन्टेक्ट बात खत्म तो अब मैं अगर पेज पे जाऊं तो देखो दिखने में तो लग रहा है हमने सिंपल एक पैराग्राफ लिखे हैं भाई ये तीनों अलग अलग कॉम्पोनेंट है ये मेन कॉम्पोनेंट है ये अलग टुकड़ा है ये अलग टुकड़ा है दिखने में लग रहा है एक पेज है लेकिन पीछे आप उन थिंकिंग चेक करो क्या आ रही है। चलो भाई अब हम एक छोटा सा टेम्पलेट बनाते हैं होम पेज पे हम एक काम कर लेते हैं सबसे पहले मैं होम पेज पे आता हूं यहां पे मैं ना एस टी में लिखना शुरू करता हूं एस टी में लिख के सबसे पहले अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं कि वही वाली बात हर पेज में हेडर फुटर सेम रहता है तो यार मैं कुछ कंपोनेंट्स बनाता हूं जो जो चीजें मुझे पता है मेरी वेबसाइट के अंदर हर पेज पे सेम रहनी है उनके भी मैं कंपोनेंट बना लेता हूं मैंने कंपोनेंट बनाया है हेडर का एक मैंने कंपोनेंट बनाया यहां पे फुटर का और एक कंपोनेंट मैंने बना लिया यहां पे मेन्यू का ठीक है जी अब कितने कंपोनेंट्स हो गए हैं है। सबसे पहले मैं हेडर के अंदर जाके थोड़ी सी स्टाइलिंग करके एक रफली बना रहा हूँ मकसद था यहां पे ज्वाइनिंग का ठीक है मैं एक रफ बना रहा हूँ काइंडली यार बार कह दिया आप लोगों के इसको ना यूज करें एनोटेशंस को ठीक है ओके okay. सबसे पहले मैं इधर आता हूं और सबसे पहले मैं हेडर के अंदर जाता हूं और यहां पे मैं काम करना शुरू कर देता हूं अच्छा हेडर के एच फाइल में जाना है यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ सॉरी एक हेडर का टैग लिया और उस टैग के अंदर मैंने इसकी सी एस एस करनी है यार हर कॉम्पोनेंट ने अपनी सीएसएस की फाइल साथ दी हुई है वो कहता है यार तुमने सी एस एस करना है ये लो मैं साथ फाइल दे रहा हूँ मैं इधर आके थोड़ी सी सी एस एस करता हूं मैं इसकी विड्थ को हंड्रेड परसेंट कर देता हूँ हाइट में इसकी बेसिकली चलो नाइनटी पिक्सल रख लेते हैं बैकग्राउंड कलर हम कोई भी थोड़ा सा एक लाइक like, टील रख लेते हैं ठीक है और डेट्स इट मेरा हेडर बन गया उसके बाद मैं इसको फ्लोट लेफ्ट भी कर लेता हूँ मुझे जरूरत पड़ जाएगी लो भी मेरा हेडर तैयार हो गया हेडर को कर दिया मैंने बंद फिर मैं आता तो हूँ मेन्यू पे गौर से सुनिएगा मेन्यू पे आके मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेन्यू बनाना है मेन्यू बनाने के लिए आपको पता है मेन्यू किसमें बनते हैं लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक मेन्यू बना लेता हूं मिसाल के तौर पे यहां पे होम उसके बाद यहाँ पे मैंने कौन कौन सा बनाया है? जो वो बनाया अबाउट अबाउट और यहां पे मैं बना लेता हूँ कॉन्टेक्ट ओके थोड़ी सी इसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं स्टाइलिंग देखो यार इसकी सी एस एस पड़ी है इधर आते हैं सबसे पहले यूएल की लिस्ट स्टाइल डॉट्स को खत्म करेंगे ये मैं जरा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे एल आई को हम फ्लोट लेफ्ट कर देंगे और उसके बाद एल आई की हम पैडिंग भी कर देंगे थोड़ी सी ज्यादा और भाई इस सब को हम एक टैग के अंदर रखते हैं जिस टैग का नाम है नेफ का टैग सिमेंटिक टैग है ना ये और इसकी जो विथ है हंड्रेड परसेंट में कह रहा हूँ और फाइनली हाइट ऑटो रख लो ऑटो नहीं रखनी तो यार मैं थोड़ी सी इसको स्टैटिक कर देता हूँ और लास्ट मेरे पास क्या बचा फुटर बचा लो भी मेरा मेन्यू भी बन गया मेन्यू को भी मैं बंद कर देता हूँ ठीक हो गया लास्ट मेरे पास क्या बचा है फुटर फुटर में मैं आता हूँ यहाँ पे भी आके मैंने फुटर को कॉल किया और इसी के सी एस एस के अंदर अब्दुलरमान मैं इस सेशन के एंड पे अगेन लिंक सेंड करूंगा ठीक है तो इस सेशन के एंड तक आप लोग वेट कर ले जिन जिन से अभी तक लिंक मिस हो गया मैं अगेन सेंड कर दूंगा इस वर्कशॉप के एंड पे तो भी मेरे पास आ, सारे के सारे क्या हो गया मेरे पास लिंक्स बन गए हैं हाँ भाई यहाँ तक समझ आया मैंने हेडर फुटर और मेन्यू कैसे बनाया है? मुझे बताइए जरा ओके है क्लियर है किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है डेमो क्लास फरहान मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे लो भी अब मैंने एक होम पेज बनाना है एक अबाउट का पेज बनाना है और एक कॉन्टेक्ट का पेज बनाना है मैं जस्ट एक डमी डाटा लिख रहा हूँ uh, सुनिएगा ठीक है सुनिएगा जरा यहाँ पे मैं अगर इधर आऊँ होम पे मैं कुछ डिप्स ले, ले लेता हूँ लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं हेडिंग ले लेता तो, हूँ इसको मैं क्या कर लेता हूँ uh, Trainings के मैंने इस तरह से लिखा और मैं यहाँ पे एक डिव लेके इसका कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं ठीक है yeah. तो मैं यहाँ पे डिव लेता हूं, इसको ID दे देता हूँ इसी के सीएसएस में जाओ और इसी के सीएसएस में जाके सबसे पहले आप क्या करो इसे टेक्स अलाइन सेंटर और उसके बाद वो जो डिव है उसके अंदर मैं कुछ डमी पैराग्राफ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे पी का टैग लेता हूँ और यहाँ से कुछ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम कुछ डमी उठा लेते हैं यहाँ पे लाइक like, समझ लो कि ये मैंने ना एक थोड़ा सा होम पेज का इंट्रोडक्शन उठा लिया मैंने पेस्ट कर दिया वापस इधर आते हैं इसको हम विथ दे देते हैं हंड्रेड परसेंट या चलो इसको हम दे देते हैं सेवेंटी परसेंट हाइट हम इसे दे देते हैं फिक्स चार सौ पिक्सल बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी लाइट सा इसे दे देते हैं येलो दे ग्रीन दे देते हैं और हम फाइनली इसे क्या दे देते हैं बॉर्डर बॉर्डर में इसे दे देता हूँ टू पिक्सल सॉलिड ब्लैक ना भी लिखे ठीक है और हाँ इसे लास्ट हम दे, दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट वो मैं इसे दे देता हूँ लाइक हंड्रेड पिक्सल आई थिंक इनफ होगा ओके सो फाइनली मेरा और हाँ ये जो पी है इसे मैं पेडिंग दे दूंगा ओके okay, और लास्ट लास्ट लोभी मेरे पास एक होम पेज तैयार हो गया जरा चेक करें होमपेज दिख कर सर है ले भी ये आपका होम पेज दिख रहा है ठीक है होम पेज किस तरह से कॉल हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉल किया होता उसको मेन ऐप के अंदर ठीक है तो चलो हम फिर से आगे शुरू करते हैं उसको यार इसी तरह मैंने होम के ऊपर जो काम किया मैं यही कोड को कॉपी पेस्ट करता हूं और बाकियों के ऊपर भी काम कर लेता हूं। रिकॉर्डिंग uh, आपको फेसबुक पे लाइव सेशन भी चल रहा है मेरी बात सुनिए फेसबुक पे लाइव सेशन भी चल रहा है आप वो वाली वीडियो को भी सेव कर सकते हैं जब फेसबुक की वीडियो लाइव सेशन वाली एंड हो जाएगी तो आपको पता है फेसबुक पे सेव वीडियो की ऑप्शन होती है आप वहां से सेव कर लीजिएगा उसे ठीक है PNY के के पेज 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 पे 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 मेरी बात सुने आप लोग पे इस ठीक पे स्ट्री, है सारी की, सारी वहां पे. तो आपको ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, आप सारे समझदार हो फेसबुक से वीडियो उठा लो इट्स ओके okay. अच्छा उसके बाद मैं आता हूँ जल्दी से यहाँ पे अब में about के अंदर मैं यही कोड को कॉपी पेस्ट करता हूं सुनिएगा जरा मैंने यहां पे कह दिया अबाउट पीएनवाई ट्रेनिंग और अंदर से हम सिर्फ टेक्स को बदल देते हैं जो मेरा डमी टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर देता हूं वो मैं इधर आता हूं और यहां से हम ये टेक्स्ट उठा लेते हैं अस को मैंने टेक्स्ट उठा लिया फाइनली फाइनली वापिस आते हैं इधर और इसकी सीएसएस उठाते हैं यहीं से और भाई उसकी सीएसएस इसी के सीएसएस फाइल के अंदर जाके लिख देते हैं मेरा अस का पेज भी तैयार हो गया थर्ड पेज पे आते हैं दैट इज द लास्ट वन कॉन्टेक्ट का पेज ठीक है अब कॉन्टेक्ट में मैं चाहता हूँ कि जरा ना एक फॉर्म बन जाए गौर से सुनना कॉन्टेक्ट में मैं चाहता हूँ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन जाए मैं बूटस्ट्रैप लगाना चाहता हूँ मैं इधर आता हूँ बूटस्ट्रैप को उठा लेते हैं ऑनलाइन लिंक उठा लेते हैं बूट के मैंने कॉपी किया लेकिन याद रखना बूटस्ट्रैप बूट स्ट्रैप के लिंक्स आपने किधर लगाने हैं मेन पेज के अंदर मेन पेज कौन सा था मैंने अभी आप लोगों को बताया था इंडेक्स आप लोगों ने इस पेज के अंदर बूट स्ट्रैप के लिंक्स लगाने हैं ये जो चार लिंक्स होते हैं ना सी डी एन के वो अब मैं फाइनली लास्ट कॉन्टैक्ट वाले में आता हूं और आखिरी काम करते हैं इसे ज्वाइन कर लेंगे मैं कॉन्टेक्ट में आता हूं और यहां पे एक फॉर्म बनाते हैं हम थोड़ा सा मैं बूट यूज कर रहा हूं तो बस एक मैं डमी फॉर्म बना रहा हूं बस दो मिनट लगने हैं इसको क्लास फॉर्म ग्रुप और लेबल और लेबल के अंदर मैं कह देता हूँ अपना आप लोग नेम दे इनपुट टाइप टेक्स क्लास फॉर्म कंट्रोल और इसी को कॉपी कर लेते हैं हम फॉर ईमेल एंड द लास्ट वन इज मैसेज मैसेज के लिए आपको पता है क्या यूज होता है टेक्स्ट एरिया बड़ा बॉक्स होता है कॉल्स में ले लेता तो हूं इसका ट्वेंटी और रोज मैं इसकी ले लेता हूँ टेन आई डोंट नो कैसा दिखा लास्ट वन हम इधर आते हैं ले भाई मैंने एक फॉर्म भी बना लिया फॉर्म को हम पहले चेक ना कर लें कैसा दिख रहा है ठीक है ना तो मैं काम करता हूँ इस कॉन्टेक्ट वाले को ऐप के अंदर कॉल करता हूँ तो बल्कि कॉल हुआ है बल्कि हाँ कॉल हुआ है तो देख लेते हैं ले भी, नीचे पी एन वाई फॉर्म भी आ गया ठीक है हमारे पास सब पेजेस चल रहे हैं बस हमने उसे कंपाइल करना है ओके सो फाइनली आखिरी मेरा काम है कि इसको राउट करना देखो यार, यार ये बिखरे हैं है इस टाइम पे पेज मैं चाहता हूँ मेरी बात आखिरी बात है थोड़ी-थोड़ी बातें हैं ठीक है सुनिएगा हाँ जी ज्योति आप पूछे मैसेज करें मुझे मैंने अब यार इसकी राउटिंग सेट करनी है सबसे पहली बात सबसे पहली बात जो जो तुम्हें पता है कि कंपोनेंट्स हैं हर पेज पे रिपीट होना है उसका तुम ऐप के अंदर लिख दो मेरी बात यहां से गौर से सुनना हेडर का कंपोनेंट मुझे पता है हर पेज पे रिपीट होना है मैंने हेडर लिख दिया मेन्यू का कंपोनेंट मुझे पता है हर पेज पे रिपीट होना मैंने मेन्यू लिख दिया फुटर का कंपोनेंट मुझे पता है हर पेज पे रिपीट होना मैंने फुटर लिख दिया अच्छा ये जो है ना एक लाइन मेरी बात गौर से सुनना ये लाइन होती है कि तुमने कहां पे बीच वाला कंटेंट चेंज करना है अब आप लोगों को पता है हेडर भी वही रहेगा मेन्यू भी वही रहेगा फुटर भी वही रहेगा हमने बीच वाला कंटेंट चेंज करना है तो इस टैग को आपने बीच में लिख देना यह बात समझ आई है कि नहीं आई मुझे यह बताओ आप हां जी हाँ जी ज्योति वही मैं कर रहा हूं मैं सारा का सारा काम वही कर रहा हूं ठीक है जरा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं सुनिएगा यार कौन कौन से पेजेस मेरी हर वेबसाइट पे आते हैं आता है हर वेबसाइट वेबसाइट के हर पेज पे आता है मेन्यू आता है वेबसाइट के हर पेज पे, पे जो जो वेबसाइट के हर पेज पे आता था मैंने मेन के अंदर लिख लिया जाके ठीक है इस तरह से मैंने ना मेन के अंदर लिख लिया और यहां पे ऐसे ही मैंने एक हेडिंग दे दी पी एन ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी अच्छा जी ये एरर आ गया अब मेरी सुन ले जब, जब भी एरर आएगा ना आप लोगों ने कैसे जानना है क्या एरर आया आपने राइट क्लिक करना इंस्पेक्ट में जाने कंसोल में जाने यहां पे वो एरर बता रहा है वो कह रहा है सेंटर का टैग पुराना हो चुका है मैं नहीं मानता इसे तो मुझे क्या करना पड़ेगा सेंटर का टैग यहां से खत्म कर देना है। लो भी आखिरी काम है मुझे इसको लिंक देना है से सुनना। लास्ट काम है मुझे इसको लिंक देना है। और एक फाइल देते है, जिसका नाम है एप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट राउटिंग फाइल है आपने किधर राउट देना है ये जो ब्रैकेट है ना की इसको खोलो सबसे पहले आप बताओ पाथ मैं पाथ रख लेता हूं बाय डिफॉल्ट खाली खाली से मतलब है कुछ नहीं और इसके ऊपर कौन सा कॉम्पोनेंट कॉल करना है वो कॉम्पोनेंट को कॉल कर लो मैं कहता हूं बाय डिफॉल्ट खाली पाथ पे कौन सा कॉम्पोनेंट कॉल होम का हाँ भाई होम पेज आ गया बाय डिफॉल्ट होम पेज आगे आपका आपके सामने है होम पेज मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा एक मिनट जरा मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा इसकी स्टाइलिंग को थोड़ा सा चेंज कर लू uh, mm. लो भी ये आपका होम पेज आपके सामने है बाकी पेजेस की भी मुझे पहले पहले राउटिंग राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी पड़ेगी ठीक है बाकी पेजेस की भी मुझे पहले लिखनी पड़ेगी। आ, नहीं फरहान इसकी हाँ मिल जाती है इसकी, की थीम्स मिल जाती है लेकिन उनको समझना थोड़ा सा काम होता है यार हम सादा बूट का टेम्पलेट भी एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई आगे मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अगर इस कोर्स में एनरोल होते हो बेसिकली यार ये वर्कशॉप में एक फ्रेंकली स्पीकिंग बात बताऊ एक वर्कशॉप बेसिकली इसलिए करवाई जाती है कि आप लोगों को थोड़ा सा डेमो बताया जाए कि एक्चुअली हमारे कोर्स के अंदर क्या कर, काम करवाया जाएगा जो फुल्स मंथ का, का, का कोर्स है उसके अंदर क्या काम करवाया जाएगा तो उसकी अवेयरनेस देने के लिए एक डेमो रखा जाता है ठीक है साकिब मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपने मॉड्यूल्स डिफाइन करने हैं मैं यहाँ पे पाथ देता हूँ यार मैंने अबाउट का पेज खोलना है तो मैं यहाँ पे पाथ दे दूंगा अबाउट का लेकिन वो पूछ रहे अबाउट किस कंपोनेंट को तुम असाइन कर रहे हो मैं यहाँ पे कहूंगा कि मैं अबाउट अबाउट वाले कंपोनेंट को असाइन कर रहा हूं। उसके बाद मैं अगेन यहाँ पे पाथ देता हूँ कॉन्टेक्ट का वो कहता है हा भाई कॉन्टेक्ट तुम किस कॉम्पोनेंट को असाइन कर रहे हो मैं कहता हूँ कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट वाले कॉम्पोनेट को असाइन कर रहा हूं लो भी मैंने तीनों पेजिस का पाथ दे दिया और हेडर फुटर सब अपनी जगह पे वहीं खड़े हैं। सो so, फाइनली मुझे लिंक से न मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। अगर मैं इधर आके यहाँ पे आके अबाउट लिखूं तो ये अबाउट का कंपोनेंट कॉल हुआ अबाउट से मैं यहाँ पे आके कॉन्टेक्ट लिखूं कॉन्टैक्ट का कॉम्पोनेंट कॉल हुआ हर कॉम्पोनेंट कॉल हो रहा है फाइनली मुझे क्या करना है इनको लिंक्स पे पकड़ना है डेट्स ऑल लिंक्स पे लेने के लिए ये देखो यहां पे हमारे पास एक राउटर होता है बेसिकली ये देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आखिरी काम है हमारा हमारा एक टेम्पलेट बन गया है ठीक है डेट्स इट ठीक है इस तरह से दे देते हैं नहीं तो एक और वे है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक मिनट जरा आ... हाँ जी मैं बताता हूं जस्ट अ मिनट वेट फॉर और वे है दो तरीके हैं जहाँ पर राउट देने के मैं वो सिंपल वाला आपको बता दूँ अरे ये तो मटीरियल है ओके सो बैकएंड पे ये साब अब हम इसके पीछे ना नोड जीएस लगा देते होते हैं ठीक है नोड जीएस लगा देंगे तो वो पीछे सारा बैक एंड बनता जाएगा इसका सारा का सारा ठीक है ओके सो जस्ट अ मिनट चलो ऐसे कर लेते हैं इसको राउटर लिंक इस तरह से दे देते हैं यार सिंपल मैंने एंकर का टैग लेना है मेरी बात सुनो आपने लिंक कैसे देना जहां पे मेन्यू बनाया हुआ है ना उधर आओ एंकर का टैग लगाओ और ये वो कह रहे है,

अपना लास्ट वाला उठाता हूं कॉन्टैक्ट का ओके लो ओके okay, तो एक तो यहाँ पे एक मिस्टेक है ले भाई आपके सामने पूरा का पूरा टेम्पलेट तैयार है आपने देखना पेज रिफ्रेश नहीं होगा ये देखो यार मैं कोई भी वेबसाइट खोलूं मेरी बात सुनना मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोलूं मिसाल के तौर पे मैं पीएनवाई की वेबसाइट ओपन करता हूं पीएनवाई की वेबसाइट को भी आ, मैं मैंने इनको कहा था होपफुली मैं इसको भी ना सून uh, इसको मैं पूरा का पूरा एंगुलर या रिएक्ट पे कन्वर्ट कर दूंगा लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी ये जो है वो आपका इस पे पी एच पी और बूट पे अब देखो मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ बताना चाह रहा हूँ बड़ी कॉमन सेंस की बात है यार मैं किसी भी पेज पे जाऊँ पेज रिफ्रेश हो रहा है ये देखो हो रहा है पेज रिफ्रेश रिफ्रेश हो रहा है टाइम लग रहा है ये देखो टाइम लग के मैं गया गय पेज पे ठीक है मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ टाइम लग रहा है ठीक है मेरे सीन में क्या है? पेज रिफ्रेश नहीं होगा अबाउट पे जाना है अबाउट आ जाएगा फौरन कॉन्टैक्ट पे जाना है कॉन्टैक्ट आ जाएगा फौरन ठीक है मैंने फिर से होम पे जाना है होम आ जाएगा भाई पेज रिफ्रेश नहीं हुआ आप सोचो अगर हजार की जगह लाख यूजर भी आ जाए वेबसाइट पे तो मेरी वेबसाइट स्लो नहीं होगी ये आज का एक छोटा सा डेमो था आपका फुल स्ट्रैक के अंदर से एक, एक एंगुलर का तो काइंडली मुझे आखिरी बार एक नॉलेज कीजिएगा कि आज कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा ठीक है मैंने जस्ट एक डेमो दिया है आप लोगों को के एंगुलर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती हैं नहीं अः आ... मिनट ठीक है बैकेंड का डेमो नहीं हो सके क्योंकि आपका सेशन जो था वो दो घंटे का था ठीक है आ, तो इस वजह से अच्छा आप मुझे ढूंढना पड़ेगा लिंक पी एन वाले तो नहीं होंगे जस्ट अ मिनट मैं एक किधर पढ़ा होगा लिंक आप में से किसी ने कॉपी किया था इस टाइम पे लिंक तो यार वो जरा ग्रुप में पेस्ट कर दे जरा इधर हाँ ये नजर आया बल्कि मैं कर देता हूँ अच्छा ये लिंक है जिस जिस ने बल्कि बुशरा ने कर दी है आ, ये लिंक है आप लोग जिस जिस का सर्टिफिकेट चाहिए इस लिंक को ब्राउजर में ओपन करें और फॉर्म को फिल कर दें ताकि पीएनवाई के पास आपका डाटा चला जाए हेलो हाँ जी प्लीज अपना इंट्रो दे दें एक दफा आपका नाम और वो मिस हो गया था अच्छा बेसिकली uh, मेरा नाम फैजान सुहेल है तो मैं इस फील्ड में तकरीबन सिक्स इयर्स अबव हो गया मुझे

ओके थैंक यू चलो थैंक यू वर्कशॉप का नेम आप लिख लें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वर्कशॉप बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब आपका चले मैं फिर सेशन को एंड कर रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप सब लोग अब आने का बहुत शुक्रिया वर्कशॉप अटेंड करने का बहुत शुक्रिया काफी लोग फौरन ही निकल गए चलो ओके okay. मैं फिर सेशन को एंड कर रहा हूँ ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज हां जी साकिब बैक एंड हो जाएगा फिर ठीक है थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज मैं आप लोगों को फिर ऑफलाइन कर रहा हूं ठीक है